बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो और दिमाग लगाकर कुछ भी नहीं देखना चाहते तो अक्षय टाइगर की बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखाओ, लेकिन अगर सेंसिबल सिनेमा देखना है तो प्लीज़ इग्नोर इट। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये मूवी ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर, अलाया फर्नीचर वाला, सोनाक्षी सिन्हा, रोनित रॉय और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपना प्यार देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। विद डैट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक अच्छी मसाला एक्शन फिल्म में सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक ठाक प्लॉट, नया क्रिएटिव एक्शन और स्वैग ह्यूमर की मजबूती से संभाल लेने वाला हीरो या फिर एक एक्स्ट्रा कॉमेडियन। मगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन तीनों में से कुछ भी आपको नहीं दे पाती। स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग्स तक की कमज़ोर राइटिंग महंगे बजट की इस शिप में एक बहुत बड़ा छेद साबित करती है। फिल्म देखने जाते हुए हर व्यक्ति के मन में एक शक रहता है, पता नहीं एंटरटेनिंग होगी या नहीं। लेकिन एक्शन मसाला एंटरटेनर फिल्मों के मामले में ये सवाल थोड़ा हल्का होकर एक बात पर पहुंच जाता है, कितनी भी खराब बनी हो, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस हल्के सवाल का भी बेहद कमज़ोर जवाब है। फिल्मी एंटरटेनमेंट की गरीबी रेखा से भी नीचे छूट जाने वाली ये फिल्म बॉलीवुड की दो अलग जनरेशन से दो बेहतरीन एक्शन स्टार्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को साथ लेकर आई है। ये फिल्म लगभग हर मामले में बोर करने के नए स्टैंडर्ड सेट करती है। फिल्म शुरू होती है एक आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक से, जिसमें एक मास्क पहना हुआ बैटमैन स्टाइल विलेन यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण पैकेज कब्जा लेता है। ये एक पासवर्ड है और जब आप ये मूवी देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो पैकेज के अंदर क्या था। टोटली ब्लोन अप योर माइंड। जिसके कारण ये एक करण कवच नाम का एक कंट्रोल है जिसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, और करण कवच पूरे भारत को एक शील्ड की तरह कवर करने वाला एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस बेहद महत्वपूर्ण पैकेज को 3 दिन के अंदर वापस लाने का काम सौंपा जा रहा है कोर्ट मार्शल किए जा चुके 2 एक्स आर्मी ऑफिसर्स को। यानी कि अब हमारी आर्मी में कोई ऐसा ऑफिसर ही नहीं है, सब बकवास एकदम बेकार हो चुके हैं, जो 2 एक्स आर्मी ऑफिसर्स को बुलाना पड़ रहा है। अब वो 2 एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं कैप्टन फिरोज उर्फ रेड्डी यानी अक्षय कुमार और कैप्टन राकेश यानी रॉकी उर्फ टाइगर श्रॉफ। अब इस टास्क में इन दोनों के साथ एक आर्मी ऑफिसर कम स्पेशल एजेंट मीशा यानी मानुषी छिल्लर और एक एनालिस्ट यानी अलाया फर्नीचर वाला, जो प्रति सेकंड 72 शब्द की दर से सोशल मीडिया टर्म्स उगलती है ताकि लग सके कि वो जेन जी वाली टाइप है। सोनाक्षी सिन्हा भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं, मगर उनके ये रोल किसी हार्ड ड्राइव से ज़्यादा नहीं है, जो ऐसी फिल्मों में बस एक हाथ से दूसरे हाथ डोलती रहती हैं और इस चक्कर में सारा बवाल होता रहता है। ये हार्ड ड्राइव कैसे बचाई जाएगी, इसी का सारा खेल है। इसके बीच छोटे सब प्लॉट में विलेन को इन ऑफिसर्स से पुराना कनेक्शन दिखाना, सोनाक्षी और अक्षय के कैरेक्टर के कनेक्शन वगैरह शामिल हैं। एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए आपको फिल्म के टाइटल का किस्सा बताया जाता है। एक पुराने मिशन पर अक्षय और टाइगर अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कब्जे से एक परिवार को छुड़ाते हैं। आतंकियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बॉलीवुड फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सहारा लेते हैं और फिर इनके नाम भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ ही पड़ जाते हैं। देश की सुरक्षा में खतरा बनता है, पहले आर्मी से जुड़ा एक विलेन चीन पाकिस्तान का खतरा और देश की रक्षा करते हीरो। कभी एंटरटेनमेंट का जिन उगलने वाला ये प्लॉट नुमा चिराग इतना ज़्यादा घिस चुका है कि अगर इसमें सच का आज्ञा पालन जिम होता तो एक बार और घिसने पर वो भी इनकार कर देता। मगर मेकर्स ने इस निचुड़ चुके गन्ने के रस से भी एक ऐसा प्लॉट करके निकाला है जिसमें मॉडर्न टेक और AI का नींबू पुदीना फंसा कर वो रस निकालना चाहते थे। अब वो, और वो भी तब जब हीरो शाहरुख और सलमान नहीं है, जबकि ये दोनों भी खुद ऐसी कहानी टाइगर 3 से धक्का खा चुके हैं। कॉमेडी के किंग रहे अक्षय कुमार से आपको कोई भी पंच सुनने को नहीं मिलता जो थोड़ी देर दिमाग में ठहरा कर हंसी दे सके। टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर फिल्म में नॉन सीरियस बातें करने वाला है, मगर उनसे भी टेररिज्म में नेपोटिज्म जैसा रूखा सूखा पंच ही निकल पाता है।
एक्शन में 108 बार धमाके के आगे टहलते हीरो, ड्राइविंग सीट पर दो लोगों की फाइट में डोलती गाड़ियां, स्लोप पर बाइक चढ़ाकर हेलीकॉप्टर, गुंडों के साथ क्लोज फाइट और एक हाथ से चाकू चलाकर दूसरे हाथ में लकपकाकर घुमाना, शायद अब यही एक्शन फिल्मों की नियति बची है। कितनी हताशा की बात है कि टाइगर और अक्षय जैसे अपने शरीर दांव पर लगा देने वाले एक्शन हीरो होते हुए भी दर्शकों से सीटी निकलवा देने वाले एक आध सीन इस फिल्म में है। और फिल्म का जो धमाकेदार ट्विस्ट है वो जनता ने पहली बार शक्तिमान में देख ही लिया था, ये आपको फिल्म देखने पर समझ आ जाएगा। मगर इसे समझने के लिए फिल्म देखने का निर्णय भी अपने रिस्क पर ही लें। और गाने, खैर वो छोड़ देते हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े मियां छोटे मियां को सबसे बड़े बजट में सबसे बोरिंग फिल्म के किसी कंपटीशन में अगर दावेदारी पेश करनी चाहिए तो वहां ये जीत सकती है, जिसमें राष्ट्र कवच ओम जो कि आदित्य रॉय कपूर की थी और टाइगर श्रॉफ की गणपत, तो उसमें ये शायद बाजी मार लेगी। इस फिल्म के साथ वहीं पर ही न्याय हो सकता है, वरना बड़े औसत दाम के टिकट वाले ऑलमोस्ट आधे भरे थिएटर में किसी एक दर्शक से भी हूटिंग सीटी या ताली निकलवा पाना इस फिल्म में शायद प्लीज़ हमसे तो ना हो पाएगा। तो ये तो था हमारा रिव्यू इस मूवी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भूलें ना, और इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन ज़रूर मिले। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।